हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बहुत ही एकदम शानदार ट्रिक लेकर आए हूँ आपके लिए। मतलब कि बहुत सारे जितने भी अपने आजकल भाई हैं और जितने भी मतलब मेरे दोस्त हैं मतलब हाँ बोल सकते हो दोस्त हैं, तो जितने भी लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, तो उनके लिए ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। क्योंकि आजकल भाई ट्रस्ट का तो ज़माना ही नहीं है, लॉयल बंदे या बंदियाँ मिलती ही नहीं है। तो उनको जानने के लिए कि आपका बंदा लॉयल है या नहीं है, या आपकी बंदी लॉयल है या नहीं है, मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो लोग किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन काम में बिज़ी होते हैं और भाई अपन तो सोच रहे हैं कि मेरी बंदी मेरी है और मेरी बंदी पता नहीं कितनों के साथ लगी पड़ी है। तो इंस्टाग्राम की ये ट्रिक सिर्फ आप लोगों के लिए, कहीं पर भी आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी या किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी या इससे पहले आपने कभी पता भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। बहुत ही अंडर रेटेड ट्रिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो और मेरी आवाज़ फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे नए वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर आपकी वीडियो काम आती है। तो सबसे पहले चलते हैं इंस्टाग्राम पर। तो चल गया इंस्टाग्राम पर। सो मान लेते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या फिर मान लेते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जस्ट इमेजिन, ओके। तो आपको क्या करना है, जस्ट सिर्फ उनसे क्या करना है, या तो आपको उनका फ़ोन ले लेना है, कहीं आप मिलने जाओ, कुछ भी जाओ, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको उनका फ़ोन ले लेना है। या फिर आपको क्या करना है, उनसे उनको बोलना है कि भाई मेरे को तेरा आईडी का पासवर्ड दे, मेरे को तेरे पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ मेरे को 5 मिनट के लिए दे दे, मेरे को चेक करना है कुछ। 5 मिनट के लिए बस आपको, या 2 मिनट के लिए भी अगर आपको उनका आईडी और पासवर्ड ले लेना है जस्ट, एंड देन उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका उनका आईडी पासवर्ड आ गया, आपको कुछ नहीं करना, ना तो आपको उनका पासवर्ड चेंज करना है, ना ही आपको उनका यूज़र आईडी, कुछ भी नहीं छेड़ना। मतलब जस्ट सिंपली आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं छेड़ना, यूज़र नेम, वेबसाइट जो, बायो वायो, सीधा नीचे आना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग में जाना है। यहाँ पर जा करके आपको ईमेल चेक करना है, उनका ईमेल जो डल रहा है, ठीक है। फ़ोन नंबर भी नहीं छेड़ना ना ही, और जस्ट यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करना है। जैसे कि अभी मेरा ईमेल डला हुआ है, इसको मेरे को हटा दूंगा, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर दूंगा दूसरा ईमेल मेरा, जैसे कि मेघधान का 9 वाला, ये मैंने डाला, एंड देन मैंने ओके कर दिया वेट। तो ये हो गया सक्सेसफुली एडेड टू योर अकाउंट। अब इससे क्या होगा कि आपका जो ये ईमेल है ना, ये अकाउंट लिंक हो जाएगा आपके कहीं से, इस अकाउंट से जो आपका जीमेल है वो अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो सिंपली आपको जस्ट यहाँ पर आ जाना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अपन आईडी का पासवर्ड चेंज करने के लिए हैक करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जैसे किसी की मेरी गर्लफ्रेंड का अकाउंट में हैकर हायर कर लिया, भाई यार मेरी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर दे, तो भाई वो बंदा हैक करेगा तो इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या करेगा, वो पासवर्ड चेंज करेगा, ठीक है, या फिर वो कुछ और तिगड़म लगाएगा कुछ। तो उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा सामने वाले के पास में कि आपका अकाउंट लॉगिन हुआ है। वहाँ पर जस्ट उसके पास में नोटिफिकेशन जाएगा कि यू हैव लॉगिन देयर। तो उससे क्या होगा, आप फंस भी जाओगे और वो बंदी जो सामने वो सतर्क हो जाएगी, एंड देन सडनली वो वापस अपना पासवर्ड चेंज कर देगी। बट इससे क्या होगा कि उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको जस्ट सिंपली अपने अपना ईमेल ऐड कर दिया, देन आपको यहाँ पर आना है, लॉग आउट कर देना है। जैसे कि मैं, मेरा अकाउंट है ये, लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट विहान 777, एंड देन मैं दोबारा जाऊँगा एड अकाउंट पर, लॉग इन पर, एंड स्विच अकाउंट्स। अब मैं यहाँ पर आ गया जहाँ पर लॉग इन करते हैं अपन। अब यहाँ पर आने के बाद में अपनी ट्रिक चालू होती है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी ट्रिक्स और टिप्स ढूंढने में आपके लिए मुझे। तो यार एक लाइक तो बनता है कम से कम, और वीडियो को पूरा देखना यार, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट हेल्पिंग लॉग इन पर क्लिक करना है, एंड जस्ट लोडिंग होगा यहाँ पर, हाँ, एंड देन यहाँ पर मैं मेरा वो वाला ईमेल टाइप करूँगा जो मैंने वहाँ ऐड किया था, meghdhankar9@gmail.com, नेक्स्ट करूँगा। अब ये वी सेंड है लॉगिन कोड मेघ, अब ये कोड कहीं पे सेंड करेगा, मेरे जीमेल अकाउंट पे, ना कि उसके नंबरों पे या फिर उसके फेसबुक अकाउंट पे जहाँ पे वो कर रखी है, या फिर ना ही उसके ईमेल पे, क्योंकि उसके ईमेल पे जाता तो वो तो अपन ने हटा ही दिया। तो अब सिंपली मैं जस्ट मेरे ईमेल्स चेक करूँगा, एंड आई विल गो, वेयर इज़ माय ईमेल, या हियर वी गो, जीमेल, एंड जस्ट सिंपली ये रहा मेरा मेघधन का, एंड या सी देर इज़ अ कोड, एंड आई जस्ट कॉपी हियर एंड पेस्ट देयर। सो ये हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया, एंड सिंपली जैसे जितने भी अकाउंट मेरे जिस भी इस ई मेल से कनेक्ट हैं, जितने भी अकाउंट हैं जो इस ई मेल से कनेक्ट है, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। देन आई लॉग इन इन टू 3 अकाउंट्स,
एंड आई जस्ट सिंपली वेट, नॉट नाउ। ओके, सो देख सकते हो आप, मेरा जो अकाउंट था वो यहाँ लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर चेक करते हैं तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि मैंने कहाँ पर लॉगिन किया है, कहाँ लॉगिन नहीं किया है। ऊपर देख सकते हो यहाँ पे वो आ जाता है, एक पॉपअप आ जाता है कि हाँ आपने वहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन किया। अगर मान लो फिर भी अगर आप लॉगिन कर लेते हो और यहाँ पे शो हो जाता है, तो आप जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे जाना है। नोटिफिकेशंस पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको फॉर्म इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर होगा नीचे नीचे अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स, तो ये ऑन है, इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो यहाँ से वो उसका लॉगिन का जो नोटिफिकेशन आता है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपने यूज़ कर लिया, मान लो सिंपली यूज़ कर लिया आपने, आपको जो चेक करना था आपने वो चेक कर लिया, एंड देन फिर आपको क्या करना है, लॉगिन एक्टिविटी पे जाना है। यहाँ पर वो शो हो जाएगा जहाँ जहाँ आपने लॉगिन किया। तो जैसे आपने मेरा पोको एप बना, तो जैसे आपने सैमसंग के फ़ोन से लॉगिन किया तो यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जाना है, जाकर ही क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। तो यहाँ से भी हट जाएगा, अगर मान लो आपकी गर्लफ्रेंड भाई प्रो है कुछ ज़्यादा ही और उसको बहुत ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में, तो यहाँ से भी वो हट जाएगा। तो उसका बाप भी पता नहीं लगा सकता कि भाई आपने लॉगिन भी किया था उसका अकाउंट। और यहाँ पर जाकर के आप जितने भी मैसेजेस वगैरह हैं सब पढ़ सकते हो उसके, भाई क्या है क्या नहीं है, किस किस को फॉलो कर रखा है, क्या पोस्ट लाइक कर रही है, कौन सी मतलब भाई मेरे से कोई स्टोरी तो नहीं लगा रही क्लोज़ फ्रेंड में मुझसे हटा करके। यहाँ पे जाके आप हाइलाइट्स में जाके चेक कर सकते हो स्टोरीज़ उसके, यहाँ पे सारी स्टोरीज़ आ जाएंगे जो भी उसने अपलोड किए हैं। अराइव में जाके उसके पोस्ट चेक कर सकते हो कि उसने कौन कौन से पोस्ट अराइव कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली जाओगे तो यहाँ पे स्टोरीज़ आ जाएगी, यहाँ पर डेट वगैरह आ जाएगी, पोस्ट कौन कौन से अराइव कर रखे हैं, जैसे उसने जैसे कि मैंने ये कुछ कर रखे हैं, तो जो भी उसने कर रखे वो आ जाएंगे। यहाँ पर जाके सिंपली आप चेक कर सकते हो डिलीटेड, और यहाँ पर उसने क्या क्या सर्च कर रखा है वो देख सकते हो, एंड उसने क्या क्या सेव कर रखा है वो देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, सेव्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई चल क्या रहा है। वैसे तो आजकल अपन को ट्रस्ट करना चाहिए भाई अपने पार्टनर के ऊपर, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बंदे फंस जाते हैं स्कैम्स के अंदर, पता नहीं होता भाई कौन सी बंदी सही है, कौन सा बंदा सही है नहीं है। तो ये एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि भाई आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है वीडियो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा मतलब पता ना चले किसी को वैसी वाली वीडियो है। तो या दिस इज़ आर सीक्रेट ट्रिक जो मैंने आपसे शेयर करी आज, तो ऐसी मैं सीक्रेट ट्रिप्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरा नाम है विहान, ठीक है, मैंने मेरा नाम नहीं बताया था पहले, तो आज मैं मेरा नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम है विहान एंड आप देख रहे हो जे गनावत चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।